पहला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लास्टिक एजेंट पोटेंसिएट द इफेक्ट ऑफ कैटाकोलामीन्स आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी एंटी कैंसरस ड्रग है हमारी या एंटी नियो एजेंट है हमारा जो

और कंसंट्रेशन के साथ साथ जो कैटाकोलामीन का इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है तो इस तरह से के इफेक्ट को करती है चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस को तो पहला ऑप्शन है हमारा जो होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका फाइव फ्लोरोसिल तो फाइव फ्लोरोसिल जो होता है ये भी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग है हमारी ठीक है चौथा ऑप्शन तो ये प्यूरिन एंटागुनिस्ट होता है हमारा ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका एन एंजाइम कन्वर्जन ऑफ एल्डोज सुगर टू की आपसे पूछा गया है कि उस एंजाइम को आप किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखेंगे जो कन्वर्जन ऑफ एल्डोज सुगर टू तो कीटोज सुगर को कैटालाइज करता है ऑप्शन है आपका आइसोमरेज दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफेरेज तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्सीज और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडोरेज तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है आइसोमेरेज देखिए आइसोमेरेज वो एंजाइम होते हैं जो ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करें जिनमें आइसोमर्स फॉर्म हो और आपने साइकिल में देखा होगा कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट का कन्वर्जन फ्रेक्टोज सिक्स में हो रहा है ठीक है तो वहां पर जो एंजाइम एक्ट करता है उसे हम आइसोमेज कहेंगे और वो कौन सा एंजाइम था आइसोमेरेज एंजाइम ठीक है तो साइकिल का ही एक्ल यहां पर दिया गया है जो हमारा ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर है और जो फ्रक्टोज है वो हमारा कीटोन ग्रुप कंटेनिंग शुगर है अगर हम बात करें अपने दूसरे ऑप्शन ट्रांसफ्रेज एंजाइम के बारे में तो ऐसे एंजाइम होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को कैटाइज करते हैं ऐसी रिएक्शन जिनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो उनको कैटालाइज करते हैं इसका एग्जाम्पल है आपका ट्रांस एमिनेज जिसमें एमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के पास अगला एंजाइम है हमारा हाइड्रोक्सीज तो ये वो एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप पेप्सिन को ले सकते हैं पेप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है ठीक है अगला एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीडोरेडक्टेज ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हो वो कहलाते हैं हमारे एंजाइम। इसका एग्जाम्पल है पायर्वेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो पायुर्वेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोटा लॉल आपको बताना है कि सोटा लॉल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला ऑप्शन है आपका इट इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दूसरा ऑप्शन है इट ब्लॉक्स मायोकार्डियल पोटेशियम आयन चैनल तीसरा ऑप्शन है इट एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है इट एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल जो सोटाल होता है ये बाइल के द्वारा एक्सक्रीट नहीं होता है ठीक है तो यही वाला स्टेटमेंट आपका गलत है बाकी के जो दो स्टेटमेंट है हमारे ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है और ये ब्लॉक करता है मायोकार्डियल पोटेशियम आयन चैनल को तो ये दोनों सही है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका हाइपर इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ आपको बताना है कि जो हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन आती है वो किसके एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म के, के द्वारा आती है पहला ऑप्शन आपका प्यूरीन दूसरा ऑप्शन है थियामिन तीसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन और चौथा ऑप्शन है पिरीमिडिन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है प्यूरिन जो हाइपर यूरिसीमिया दैट मीनस इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी ये कंडीशन जनरेट होती है ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन और इससे एक डिजीज जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं गाउट अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रिकन सल्फेट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड आपको बताना है कि स्ट्राइकिन सल्फेट का स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है पहला ऑप्शन है आपका स्टिमुलेट दूसरा ऑप्शन है डिप्रेस तीसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रेक्शन और चौथा ऑप्शन है रिलैक्सेशन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि स्टिमुलेट जो स्टेकिन सल्फेट होती है वो स्पाइनल कार्ड को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है स्टिमुलेट करती है ठीक है अगर हम बात करें कि स्ट्राइकिन कहां से प्राप्त किया जाता है ये कौन सा एल्कोलाइड होता है तो ये इंडोल एल्कोलाइड होता है और प्राप्त किया जाता है फ्रॉम नक्स ओमिका इसका नेम होता है स्ट्राइकोनस ओमिका और ये इंडोल डेरिवेटिव क्लास की ड्रग होती है हमारी और जनरली हम इसका यूज करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड इसके जो सीड्स होते हैं इनको हम प्वाइजन नट बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होती है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका में आपको बताना है कि क्या कॉज कर सकता है या क्या प्रोड्यूस करता है पहला ऑप्शन आपका प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक -like एना एक्टिविटी दूसरा ऑप्शन है कॉज डिप्रेशन तीसरा ऑप्शन है इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन और चौथा ऑप्शन है प्रेसिपिटेट विद्रावल सिम्टम्स इन मॉर्फिन एडिक्ट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि प्रेसिपिटेट विद्रॉवल सिम्टम्स इन मॉर्फिन एडिक्ट क्योंकि नेलेक्सॉन जो होता है ये प्योर ओप्वाइड एंटागोनिस्ट होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका इन द थेरेपी ऑफ लियोडोपा इफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज एडमिनिस्ट्रेड कॉन्करेंटली देन

अगर किसी पेशेंट की लियोडोपा थेरेपी चल रही है और वहाँ पर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं कॉन्करेंटली या स्पेशली अगर हम बात करें विटामिन बी सिक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पर एफिकेसी जो होगी लियोडोपा की वो डिक्रीज हो जाएगी ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका द टर्म ग्लाइकोजेनेसिस इज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको बताना है कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है पहला ऑप्शन है आपका सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट दूसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज तीसरा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो की है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लूकोज से यह कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस एक और टर्मिनोलॉजी होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस तो उसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका चौथा ऑप्शन है ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉस फेनिट्वाइन ओवर फेनि आपको बताना है कि जो होती है उसका के ऊपर क्या एडवांटेज होता है पहला ऑप्शन आपका इंप्रूव बायो अवेलेबिलिटी दूसरा ऑप्शन लेस लाइबिलिटी टू फर्स्ट मेटाबॉलिज्म तीसरा ऑप्शन है सुटेबल फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अवॉइड वेनस इरिटेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव तो आपको बताना है कि फॉस फेनिट्वाइन को आखिर हम फेनीटन की जगह क्यों यूज करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि की सुटेबल फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अवॉइड वेनस इरिटेशन अगला क्वेश्चन है आपका हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट इज

एक आई एस्टर लिंकेज में हो सकती है लेकिन जो दो आई जिनमें होंगी वो हमारे एम लिंकेज लोकल एनेस्थेटिक होंगे तो आप देख लीजिए कि ये ट्रिक कितनी कारगर है आपके लिए जैसे पहला ऑप्शन आपका लाइडोकेन इसमें दो आई है ऑप्शन तो एक ही आई है चौथा ऑप्शन मतलब आपका प्रीलोकेन तो इसमें भी आपकी दो आई है इसलिए ये भी आपका एमाइड लिंकेज लोकल एनेस्थेटिक है तो देखिए इस ट्रिक की मदद से आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में इसलिए उसको सेपरेटली एक लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका नियरली 60 टू 70 परसेंट लाइनोलॉल इज प्रेजेंट इन द ओलाटाइल ऑयल ऑफ आपको बताना है कि 60 से 70 परसेंट लाइनोलॉल किस ओलाटाइल ऑयल में प्रेजेंट होता है पहला ऑप्शन आपका कोरिएंडर दूसरा ऑप्शन है सिनेमन तीसरा ऑप्शन है फेनल और चौथा ऑप्शन है क्लो तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है कोरियंडर जो कोरियंडर होती है इसमें साठ से सत्तर परसेंट प्रेजेंट होता है अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू प्रिवेंट अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर आपको बताना है कि इन चार ड्रग में से हम किस ड्रग को ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के लिए यूज करते हैं जो कि इंड्यूस की जाती है बाय द एनेसेड्स ठीक है पहला ऑप्शन है आपका रेनेटिडिन दूसरा ऑप्शन है प्रोस्टॉल तीसरा ऑप्शन है एंटासिड्स और चौथा ऑप्शन है ओमेप्राजोल तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है मीजो प्रोस्टॉल के द्वारा हम ट्रीट करते हैं एनेसेड्स के द्वारा इंड्यूस्ड अल्सर को ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका साइजोलाइसोजिनस ऑयल ग्लैंड फाउंड इन आपको बताना है कि साइजोलाइसोजिनियस जो ऑयल ग्लैंड होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं पहला ऑप्शन आप है दूसरा ऑप्शन है कोरिएंडर तीसरा ऑप्शन है क्लो और चौथा ऑप्शन है ब्लैक पेपर तो आपका करेक्ट ऑप्शन आप है सी कि है क्लो क्लो के अंदर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। और क्लो का नेम क्या होता है यूजेनिया कैरियोफिलस और इसकी फैमिली होती है मिरिटेसी ठीक है मिरिटेसी और मिस्टिकेसी में कंफ्यूज मत होना मिरिस्टिकेसी जो होती है वो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो हमारा जायफल होता है उसकी फैमिली होती है ओके अगला क्वेश्चन है आपका ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन इट्स आपको बताना है कि जो ट्यूबुलर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड ऑप्शन है प्लाज्मा करेक्ट ऑप्शन है, तो है, है? देखिए जहां पर ट्यूबुलर रियॉर्शन की बात की जाती है वहां पर हम मेनली फोकस करते हैं ऑन द ट्यूबुल या डीसीटी के ऊपर और यहां पर रियब्जॉप ऑफ ड्रग जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द पी के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ओके अगला क्वेश्चन है आपका बीटा ब्लॉकर विद पेरीफेरल वैसोडाइलेटर एक्शन इज आपको यहां पर ऐसे बीटा ब्लॉकर को बताना है जो पेरीफेरल वैसो डायलेटर एक्शन रखता है पहला ऑप्शन आपका कार्वेडिलॉल दूसरा ऑप्शन है प्रोपेनोलॉल तीसरा ऑप्शन है एटिनोलॉल और चौथा ऑप्शन है सिलोप्रोलॉल तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये एंटागोनाइज करता है, करता है, है? तो यही एक ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो रखता है अगर हम बात करें कार्विडिलोल से जुड़ी कुछ स्पेशल बातों के बारे में तो देखिए कार्विडिलॉल और लेबिटोलॉल ये दो ऐसे हमारे ड्रग होती जो एल्फा एज वेल एज बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ठीक है केवल दो ड्रग हैं कार्विडिलॉल एंड लेबिटोलॉल अगर हम बात करें प्रोप्रेनोलॉल के बारे में तो ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है यहाँ पर बहुत अच्छी ड्रग है ये हमारी कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग होती है means, ये केवल बीटा वन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है, ठीक है तो ये सारी चीजें ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ओके अगला क्वेश्चन है आपका द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंडिकेटर इज आपको बताना है यहां पर कि सेल्फ इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा है पहला ऑप्शन आपका मेथाइल ऑरेंज दूसरा ऑप्शन है फिनोथिल तीसरा ऑप्शन है एरिक्रॉम ब्लैक टी और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम पर तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि पोटेशियम पर देखिए पोटेशियम पर है आयोडीन है ये आपके सेल्फ इंडिकेटर के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है देखिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो अगर दूसरे टाइट्रेशन कोई कर रहे हैं किसी केमिकल का तो वहां पर हमें दूसरे इंडिकेटर यूज करने पड़ते हैं चाहे मेथेल ऑरेंज के दो एक बूंद डाले चाहे फिनोलीन की डालें, लेकिन अगर हम पोटेशियम परमेगनेट या आयोडीन का टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो ये अपना इंड पॉइंट स्वयं मार्क करते हैं और इसीलिए हमें यहाँ पर किसी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है ठीक है

टेबलेट दो लेयर में अलग हो जाती है वो कहलाता है हमारा ठीक हम आपका डायलटेन फ्लो इज कैरेक्टराइज एज असिन ऑफ पहला न्यूटोनियन फ्लो दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक फ्लो तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है रियोपेक्सी तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो देखिए जो डायटेन फ्लो होता है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूड का एग्जाम्पल होता है क्योंकि यहां पर जब सियर स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तो सिस्टम की विस्कोसिटी जो होती होती है है वो स्ट्रेस अप्लाई करने के साथ साथ इंक्रीज होती है। ठीक है जबकि जो न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं उनके अंदर जब हम सियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी में कमी आती है तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में ओके अगला क्वेश्चन है आपका ब्रोमो एसिड्स आर एडेड इन लिपस्टिक आपको बताना है यहां पर कि लिपस्टिक में हम ब्रोमो एसिड को क्यों ऐड करते हैं पहला ऑप्शन है आपका टू इमार्ट प्लीजेंट ऑर्डर दूसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी तीसरा ऑप्शन है स्टेनिंग ऑफ लिप्स और चौथा ऑप्शन है फॉर डिजोल्विंग इन सोल्वल पिगमेंट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि स्टेनिंग ऑफ लिप्स जो ब्रोमो एसिड होता है ये हमारा कलरिंग एजेंट होता है और ये कलर प्रोवाइड करता है ठीक है तो स्टेनिंग ऑफ लिप्स का काम करता है ब्रोमो एसिड अगर हम बात करें टू प्रिवेंट रेंसिडिटी तो इसके लिए हम एंटी का यूज करते हैं ओके अगला क्वेश्चन है आपका ह्च ऑफ द गिविन कॉम्बिनेशन हैज एन इंटरेक्शन बेनिफिशियल फॉर रूटीन क्लिनिकल यूज क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पर हमारे लिए बेनिफिशियल होता है रूटीन क्लिनिकल यूज के लिए पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोल एटीनोल दूसरा ऑप्शन है एंड 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 लिवोडोपा तीसरा ऑप्शन ऑप्शन है Dioxin, है डाइजॉक्सिन चौथा फ्यूरोसिमाइड लिथियम कार्बोनेट तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट हम क्लियर कर सकें प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल